मॉर्निंग स्टूडेंट। हाय, मैं नवल किशोर पंजियार, क्लास 8, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण, टॉपिक लिपि है, जिसको स्क्रिप्ट इंग्लिश में कहा जाता है। तो आज मैं लिपि टॉपिक के ऊपर चर्चा करूँगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और कंटिन्यूस सुनेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लिपि क्या है, लिपि किसे कहते हैं, प्रश्न उत्पन्न होता है मेरे मन में, आपके मन में, कि लिपि क्या है, स्क्रिप्ट क्या है। तो आप 7 क्लास में हल्का पढ़े होंगे, तो आज मैं 8 क्लास में वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि लिपि क्या है। बोली जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। अगर हम कोई भाषा को बोलते हैं तो उसमें ध्वनि जरूर रहता है, और ध्वनि जब रहता है तो उसमें एक चिन्ह जरूर रहता है। तो वो चिन्ह निश्चित किए गए हैं, इन्हीं चिन्हों के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। अर्थात मैं फिर से बोलता हूँ कि लिपि क्या है, लिपि किसे कहते हैं, लिपि की भाषा में क्या जरूरत है। उत्तर है कि बोली जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, इन्हीं चिन्हों के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। लिखने के तरीके को हम लिपियों वे भाषाओं को जाने, यानी कि कुछ प्रमुख लिपि है उसको हम जानेंगे और समझेंगे। आप मेरे साथ कंटिन्यू रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि लिपि क्या है, नहीं तो पता नहीं चलेगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि क्या है लिपि। भाषा, लिपि भाषा, यानी कि लिपि अगर लेते हैं तो गुरुमुखी लिपि है, गुरुमुखी भाषा एक है, वो भी लिपि ही हुआ। उसके बाद हम तमिल लेते हैं, उसके बाद गुरुमुखी जो लिपि है उसका भाषा पंजाबी है, वो पंजाबी भाषा है, लिपि किंतु गुरुमुखी है। तमिल लिपि लेंगे तो उसका भाषा तमिल ही है। आइए फिर दूसरा लिपि लेते हैं, देवनागरी लिपि लेते हैं, उसका भाषा हिंदी, संस्कृत, मराठी है। फिर लिपि लेते हैं रोमन, तो उसका भाषा हो जाता अंग्रेजी, जर्मन हो जाता है। तो लिपि एक अलग है, भाषा एक अलग है। हम हिंदी भाषा को बोलते हैं लेकिन उसकी लिपि देवनागरी है। हम भाषा पंजाबी बोलते हैं लेकिन उसका क्या लिपि गुरुमुखी है। हम भाषा तमिल बोलते हैं, उसका लिपि तमिल है। हम भाषा अंग्रेजी, जर्मन बोलते हैं, उसका लिपि रोमन होता है। तो बच्चों, इस तरह से लिपि और भाषा में अंतर है, ये लिपि भाषा को समझना होगा। भाषा और व्याकरण, आपने पढ़ा है कि भाषा क्या है, व्याकरण क्या है। कोई भी भाषा व्याकरण के अंश को लेकर आता है, भाषा बिना व्याकरण का अधूरा है। पर भाषा नेक्स्ट है कि देवनागरी, जो हम लोग खास करके हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, ज़्यादा व्यवहार करते हैं देवनागरी लिपि को, उसमें क्या क्या भाषा है। उसमें भाषा है हिंदी, संस्कृत, मराठी, बोरो, संथाली, कोंकणो, माने कोंकणी है एक, यानी कि देवनागरी भाषा में हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, बोरो है, संथाली है, कोंकणी है, ये आदि जो भाषाएं हैं देवनागरी लिपि के अंतर्गत, उसको आप लोग जानते हैं और इसे विस्तार रूप से इस वीडियो के माध्यम से जानिए। क्योंकि 8 क्लास जो आपका है उसमें आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो आपको 9 क्लास में हिंदी या उर्दू स्टैंडर्ड की जानकारी अच्छी हो जाएगी। तो फारसी उर्दू है, उर्दू जो है सो फारसी लिपि का है।
कश्मीरी शारदा लिपि का है, रोमन आपको जो है सो फ्रांसीसी है, उसके बाद देवनागरी बोडो है, उसके बाद रोमन अंग्रेजी और जर्मन है, बंगाली बंगला है। तो ये सारे चीज़ों को आपको जानना होगा, सिर्फ भाषा व्याकरण जान लेने से नहीं होगा, भाषा के पीछे लिपि का बहस है, लिपि का वर्चस्व है, लिपि को जानना बहुत ज़रूरी है। लिपि को नहीं जानेंगे तो फिर हम कैसे समझेंगे, इसलिए लिपि को जानना ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। हिंदी भाषा का प्रयोग, माने हिंदी भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है, ये मन में प्रश्न उत्पन्न होता है, तो इसके लिए हम थोड़ा जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग तीन रूपों में किया जा रहा है। इस देश में हमारे भारत हिंदुस्तान इंडिया जिसको बोलते हैं, इस देश में हिंदी भाषा को तीन रूपों में प्रयोग किया जाता है। अब आइए कि वो तीन सा रूप है क्या, उस तीन सा रूप का नाम आप सुनेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि आपने सुना ही नहीं होगा हमको लगता है। इस वीडियो के माध्यम से सुन लीजिए। पहला है राजभाषा के रूप में, राजभाषा रखा राज और राजभाषा। दूसरा है राजभाषा के रूप में, और दूसरा है तीन रूपों में किया जाता है। तो पहला नंबर आप तीन रूपों में किया जाता है, तो राजभाषा के रूप में जो है वह कौन कौन सा स्टेट है, उन स्टेटों का नाम मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पर हिंदी राजभाषा के रूप में जो होता है, वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में। और फिर ये सारे भाषा में एक राजभाषा है, यानी कि ये भाषा उस प्रदेश में अपना राज करता है, अपना वर्चस्व करता है, सारे लोग इसी भाषा को बोलकर वहाँ पे रोजी रोटी करते हैं, इसलिए इस भाषा को राजभाषा भी कहा गया है। अब द्वितीय भाषा के रूप में, जैसे कि पंजाब में हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में है, पंजाब में राजभाषा के रूप में पंजाबी है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, ये द्वितीय भाषा के रूप में है। दक्षिण भारत के राज्यों में तथा पश्चिमी जैसे बंगाल है, जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर के राज्यों में ये संपर्क भाषा के रूप में राज करता है हिंदी में। लेकिन हिंदी के तीन रूपों का जो प्रयोग होता है, जो हिंदी राज करता है जिस प्रदेश में, उस प्रदेश का नाम बोला, जिस प्रदेश में द्वितीय भाषा के रूप में है मैंने उस प्रदेश का नाम बोला, जिस प्रदेश में संपर्क भाषा के रूप में है मैंने उसको बोला है। अब आइए कि बोली, बोली क्या है, बोली को हम जानेंगे समझेंगे कि बोली क्या है। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को हम बोली कहा जाता है, सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाले भाषा को हम बोली कहते हैं, यानी स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता, बोली का जो है कोई लिखित रूप नहीं होता है। बोली बहुत प्रकार के होते हैं, आप देखिएगा कि एक प्रदेश में हिंदी राजभाषा है तो उसका फिर एक क्षेत्रीय भाषा है, फिर उसके क्षेत्र में भी कई प्रकार के भाषा हैं, तो बोली कई प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन कुछ बोली ऐसे हैं जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है, कुछ बोली ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है। अब आइए हिंदी की बोलियाँ, हिंदी की बोलियाँ क्या है। हिंदी की बोलियों को छह वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, हिंदी की बोलियों को छह वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पश्चिमी हिंदी जिसको हम ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी कह सकते हैं जो पश्चिमी साइड में चलता है। उसके बाद पूर्वी हिंदी जो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी कहा जा सकता है। राजस्थानी जैसे कि मेवाती, भी
हिंदी की ही बोलियाँ हैं। पहाड़ी में जाइएगा तो गढ़वाली, कुमायुंगे, मडेलिया, और दक्षिणी में जाइएगा बीजापुर, गोलकुंडा के क्षेत्र में, तो ये सारे भी हिंदी के ही बोलियाँ हैं। इन सभी प्रदेशों में बोले जाते हैं हिंदी के। तो आज मैं इसी जगह पे समाप्त करूँगा और विशेष रूप से यही कहूँगा कि हिंदी भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस रूप में होता है, और किस रूप में राजभाषा के रूप में है, किस किस प्रदेश में द्वितीय भाषा के रूप में है, किस प्रदेश में संपर्क भाषा के रूप में है, और लिपि क्या है, इन सभियों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया हूँ। आप इसे सुने और सभी को सुनाएं, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही तक, धन्यवाद।